बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे दारे के बाहर एक साहब आए जिनके गले में बहुत सारे मेडल थे और इसके अंदर 3 से 4 या 5 गोल्ड मेडल हैं और बाकी ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं, उनके हाथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में जितने भी नेशनल बॉक्सिंग के प्रोग्राम है वो सब उन्होंने जीते हैं अपनी एज के हिसाब से, और इस वक्त उनको इंटरनेशनली दावत आई हुई है और उनको 23 तारीख को दुबई पहुंचना है। वहां पहुंच के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, 24 तारीख को उनका वेट होगा, उसके बाद उनका किक बॉक्सिंग का मुकाबला। लेकिन कोई भी इदारा सरकारी जितने दफातर हर जगह गए कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, दिन भर मजदूरी करते हैं, 400 रुपए दिन का कमाते हैं। अस्सलामुअलैकुम इस्लामुद्दीन साहब, क्या सिलसिला लोगों को बताएं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं जफर भाई का शुक्रगुजार हूं कि अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं गोदाम में काम करता हूं, दिहाड़ी पे तकरीबन 600 कमाता हूं रोज, 600-400 ये कमाता हूं। तो मेरे किक बॉक्सिंग और मुआई थाई जो उसकी फाइट है दुबई में, मेरा दुबई से मेरा लेटर आया हुआ है। तो मैं बहुत से इदारे के पास में गया हूँ, किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं की, ना स्पॉन्सरशिप दे दी मुझे। तो मैं जफर भाई के पास जेडीसी जफर भाई के पास में आया हूँ, तो जफर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पॉन्सरशिप करेगा। अच्छा, मैं करूँगा इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप। लोगों को दिखाएं गोल्ड मेडल क्या होता है। जी ये गोल्ड मेडल है नेशनल लेवल के। और इसको कितने गोल्ड मेडल आप पहने हुए? मैं तकरीबन 4 गोल्ड मेडल। लोगों को दिखा दें, ये गोल्ड मेडल है, ये सूबाई लेवल और नेशनल लेवल के गोल्ड मेडल है, ये भी है, और इसमें सिल्वर मेडल भी है और दूसरे ब्रॉन्ज मेडल भी है। जब आप अभी गोल्ड मेडल दिखा रहे थे, आपने क्या चीज नीचे रखी है उठा के? पासपोर्ट। ये देखें आप, ये शख्स ये अपना दुबई का कार्ड जो आया हुआ है पासपोर्ट लेके दर दर घूम रहा है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मुझको खुदा ने सलाहियत दी है, लेकिन अफसोस का मकाम है कोई शख्स सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये ले मेरे भाई जी। चूंकि सिर्फ दुबई के टिकट की बात थी तो मैं छोटी रकम है, मैं पीजेपी ट्रेवल जो मेरा अपना ट्रेवल है मैं वहां से आपको टिकट दुबई का दे देता हूं। अगर बड़ा खर्चा होता तो मैं जाकिर साहब इंडेक्स के जो ऑनर है उनसे रिक्वेस्ट करता, लेकिन ये आपका मसला हल हो गया मेरे भाई, और मेरी दुआ है। और वो कंपनीज, वो इदारे, वो बैंक, वो बड़े बड़े बैंक, वो एयरलाइंस, भाई लेना ऐसे लोगों को, अपना हीरो बनाएं, अपना हीरो बनाएं इनको। जो बेचारे 400 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं, 400 दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है दिन का, होता है बस, और भी भाई होते हैं बस गुजारा हो जाते हैं। तो भाई ये लोग हमारे मुल्क का ऐसे ने सरमाया है, ये गोल्ड मेडल पहन के गली गली घूम रहे हैं। अगर किसी को रहम आ जाए हमारे सरकारी दारे को, भाई इनका साथ दे। अपना फोन नंबर बताओ भाई। 0343-244-0916 मेरा टेलीनार फोन नंबर है। यार इंग्लिश में बता दोगे? इंग्लिश में मुश्किल है। अच्छा मैं लिखता हूँ, लोगों को समझ में आ जाए। 0 लिखो, इसको लिखो भाई मेरे भाई। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग बाहर ममालिक में हैं या जो लोग नहीं समझ पाए होंगे इस वक्त उन्होंने उर्दू में जो बोला तो उनको वाजे समझ में आ जाए, ताकि इनकी मदद हो, इनका हक अदा हो। देखें 0343-240-916 ये इनका फोन नंबर है। मेरे भाई इसमें एक नंबर कम है। लिखे दोबारा लिखें, सही नंबर है 0343-244-0916 इनका नंबर है। भाई अगर कोई सरकारी इदारा सुन रहा है, कोई भी स्पॉन्सर सुन रहा है, इनकी मदद करें। इनको टिकट जो है मैं पीजेपी ट्रेवल एंड टूर्स की जाने से दे दूंगा। पीजेपी ट्रेवल एंड टूर्स जो है वो आधे पैसों में उमरा और दीगर ज्यारात और सब चीजें कराती, ताकि लोग कम पैसों में बेहतरीन सर्विसेज ले सके, उनकी जाने से टिकट मिल जाएगा। मुबारक हो आपको। लेकिन मैं अपील फिर करूंगा, जिन इदारों की जिम्मेदारी है इन कौमी हीरोज को आगे लाना, वो कहां है?